शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। राजा बहादुर, आइए खजांची। धनीराम जी आपसे मिलने आए हैं। क्या काम है जी? बताया नहीं। छोटे कौन कहाँ? वो सैर के लिए बाहर गए। भेज दो, बेहतर है। आइए। राजा बहादुर को नमस्ते करो बेटे। यही हमारे अन्नदाता हैं, जिनकी छत्र छाया में हम पलते हैं। इन्हीं के जूठन के टुकड़ों पर हम लोग जीते हैं। नमस्ते करो बेटे। जीते रहो। धनीराम सरकार, आज अपने बेटे को साथ ले आए। राजा बहादुर, बरसों पहले इस दरवाजे पर इसी तरह मैं भी आया था, अपने बाप की उंगली थामे हुए। बाप मुझे ये घर दिखाने लाया था, मैं बेटे को ये घर दिखाने लाया। तुम कहना क्या चाहते? सरकार बात ऐसी है कि अब मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। चक्कर लगाते लगाते मैं बच्चे से जवान और जवान से बूढ़ा हो गया। लेकिन सरकार, आपके वादों का चक्कर खत्म नहीं हुआ। बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहते हो धनीराम। अभी परसों ही तो हमने तुमसे कर्ज लिया है। परसों? सरकार आपकी परसों भी तो बरसों के बराबर होती है। अब मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता सरकार। अगर सौदागर मल आपकी जमीनों की डिग्री ले सकता है तो मेरे लिए भी अदालत और कचहरी बंद नहीं। मैं भी जाके कानून का दरवाजा खटखटा सकता हूँ। तुम हमें धमका रहे हो धनीराम। राम राम कहिए राजा बहादुर, मेरी क्या औकात कि मैं आपको धमका सकूं। मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर मेरा कर्जा अदा न हुआ तो ये आपका शानदार महल नीलाम हो जाएगा। शहर भर में पोस्टर लगेंगे, अखबारों में इश्तेहार छपेंगे, गली बाजारों में डोंडी पिटेगी। अब आप ही बताइए कि उस वक्त आपके दिल पर क्या गुजरेगी जब कोई पनवाड़ी, कोई पंसारी या कोई आटा दाल बेचने वाला बनिया या कोई नया माझा लगा हुआ ठेकेदार गोली देकर ये आपके बाप दादा की निशानी खरीद लेगा। चले जाओ यहाँ से, वरना नीलामी के पोस्टर लगने से पहले तुम्हारी लाश लटक रही होगी हमारी हवेली के फाटक पर। निकल जाओ। जाता हूँ राजा बहादुर, अपने दिल का ये गुबार भी निकाल लो, लटकवा दो धनीराम की लाश अपने फाटक पर। लेकिन फिर भी अपना हिसाब बंद नहीं होगा, बल्कि शुरू होगा। अरे ऐसी खून में गर्मी है, ऐसे ही तनाव है तो पैसे उठाते क्यों है कंधे पर? जो अपना पेट काट कर रुपए देगा वो मांगने नहीं आएगा। धनीराम, मैं अपना दुखड़ा रो रहा हूँ कुंवर साहब। जिनको आंखें चुरानी चाहिए उनकी आंखों का पानी मर गया। पहले तो लोग कर्जा लेते हैं और बाद में धमकियां देते हैं, कहते हैं हमारी लाश फाटक फटकवा देंगे। ये राजाओं का तरीका नहीं है कुंवर साहब, कसाइयों का चलन। एक लफ्ज भी कहा तो सा लफ्ज नहीं निकलेगा तुम्हारे मुंह से। कुंवर साहब गला छोड़ दीजिए, मैं कहता हूँ मेरा गला छोड़ दीजिए, दूर से बात कीजिए और बात कीजिए भी तो नजरें झुका के बात कीजिए। कुंवर साहब, आप भी राजा बहादुर की तरह आंखें दिखा रहे हैं, लेकिन आपको शायद ये मालूम नहीं है कि आप जिस महल में रहते हैं उसकी एक एक ईंट मेरे पास गिरवी रखी हुई है। आपके बदन पर जो ये कीमती लिबास है ये मेरे पैसों से खरीदा हुआ है। आपकी जो इतनी पढ़ाई हुई है वो भी मेरे माल के जोर पर हुई है। ये बात दूसरी है कि मैं मामूली झोपड़े में रहता हूँ, ये गंदे कपड़े पहनता हूँ और अपने बच्चे को म्युनिसिपल स्कूल में पढ़ाता हूँ, पर वहां भी इसकी फीस माफ करवा लेता हूँ। इससे अर्जी में लिखवा दिया है कि इसका बाप मर गया है, ये यतीम है, इसकी फीस माफ कर दी जाए। मगर क्या मुसीबत है कि कभी राजा बहादुर आंखें दिखाते हैं और कभी कुंवर साहब गर्दन दबाते हैं। कुंवर साहब, अगर आपको मेरी बातों पर यकीन न हो तो राजा बहादुर से पूछ लीजिए कि धनीराम जो कुछ कह रहा है वो ठीक है या नहीं। अगर झूठ हो तो मेरी जबान निकलवा लीजिएगा। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, आप मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाइए और मेरी बात का जवाब दीजिए, क्या ये घर धनीराम के पास गिरवी है? तुम्हें किसी ने बहकाया है, हम उसे गोली से उड़ा देंगे। आप किसी आदमी को गोली मार सकते हैं मगर सच्चाई को नहीं। मुझे मालूम हो चुका है कि ये सारा घर कर्ज के पैसे चल रहा है, यहां तक मेरी पढ़ाई लिखाई सब कर्ज के पैसे हुई है। अगर मैं जानता तो कब की पढ़ाई छोड़ देता। सूरज, पढ़ाई छोड़कर तुम क्या करते? आवारा गर्दी? आवारा गर्दी नहीं भाई साहब, काम।
कौन सा काम? लोहार का? लोहार का ही सही। हाथ का काम करना कोई पाप नहीं, पाप वो करता है जो काम नहीं करता। सुना है कारखाने में इंजीनियर की जगह खाली, मैं आज ही सौदागर मल के पास जा रहा। क्या कहा? तू सौदागर मल की नौकरी करेगा हमारे दुश्मन की? अफसोस तो यही है भाई साहब, आप अभी तक अपने असली दुश्मन को नहीं पहचाना। आपका असली दुश्मन है वक्त, और वक्त बहुत आगे बढ़ चुका है, मगर आप बरसों से एक ही जगह जमे खड़े। आप तो ये जानना नहीं चाहते कि हिंदुस्तान तो क्या सारी दुनिया में इंकलाब आ चुका है। हम तो एक मामूली राजा ही, छोटे मोटे जागीरदार, मगर बाहर तो ताजदारों के ताज भी गए और ताज पहने हुए सर भी। भाई साहब, वक्त की दहाड़ की चिंगार की नदी जब पहाड़ों के सीने चीर सकती है, दिन रेत की दीवारों की क्या मजाल जिनको हमने अपने चारों तरफ बांध रखा है। सूरज! भाई साहब, हम रोशनी की ताब न लाकर अपनी आंखों में पट्टी जरूर बांध सकते हैं, मगर सूरज का चिराग बुझा नहीं सकते। मैं पूछता हूँ, आदमी कब तक बीते हुए जमाने की लाश से लिपट के रह सकता है? भाई साहब, ये लाश सड़ चुकी है, जितनी जल्दी हो सके इस लाश को शमशान या कब्रिस्तान पहुंचा देना चाहिए। सूरज! उससे पहले तुम्हारी जुबान बंद करनी चाहिए, हम भी मुर्दों के पुजारी नहीं। अगर लाश है तो हमारे बाप, हमारे दादा की, हमारे बुजुर्गों की। हम मर जाएंगे लेकिन इसको नीलाम नहीं होने देंगे। अगर तुम चाहो तो इसे बेच दो, तुम भी इस लाश में बराबर का हिस्सेदार हो। क्या तुम मुझसे नाराज हो? नहीं रेखा, नाराज तो हमसे वक्त हो गया है। मैं समझी नहीं सूरज। हाँ रेखा, हमारा प्यार पानी की लकीर था, आज तक हम अपने प्यार के धारे में बेखबर इस तरह बह चले गए कि पलट कर कभी ये भी ना देखा वक्त और हालात के धारे ने एक नया मोड़ ले लिया है। देखा, जो मैं कल था वो आज नहीं हूं। हमारे महल की बुर्जियां उतनी ऊंची नहीं जितनी मैं जानता था या तुम जानती थी। हमारी खानदानी इज्जत एक ऐसा मीनार है जो हवा के किसी भी झोंके के साथ गिरकर चूर चूर हो सकता है। प्यार करने वाले किसी मंदिर की दीवारों से प्यार नहीं करते, उनमें बैठे देवता की पूजा किया करते हैं। देखा, कहना बड़ा आसान है, करना बहुत मुश्किल। क्या तुम मेरा इम्तिहान लेना चाहते हो? वक्त आया तो मुझे वो भी मंजूर है। मैं पूछता हूँ, आदमी कब तक बीते हुए जमाने की लाश से लिपट के रह सकता है? भाई साहब, ये लाश सड़ चुकी है, जितनी जल्दी हो सके इस लाश को शमशान या कब्रिस्तान पहुंचा देना चाहिए। सूरज! उससे पहले तुम्हारी जुबान बंद करनी चाहिए, हम भी मुर्दों के पुजारी नहीं। अगर लाश है तो हमारे बाप, हमारे दादा की, हमारे बुजुर्गों की। हम मर जाएंगे लेकिन इसको नीलाम नहीं होने देंगे। राम राम कहिए राजा बहादुर, मेरी क्या औकात से मैं आपको धमका सकता? मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर मेरा कर्जा अदा न हुआ तो ये आपका शानदार महल नीलाम हो जाएगा। शहर भर में पोस्टर लगेंगे, अखबारों में इश्तेहार छपेंगे, गली बाजारों में डोंडी पिटेगी। अब आप ही बताइए कि उस वक्त आपके दिल पर क्या गुजरेगा जब कोई पनवाड़ी, कोई पंसारी या कोई आटा दाल बेचने वाला बनिया या कोई नया माझा लगा हुआ ठेकेदार गोली देकर ये आपके बाप दादा की निशानी खरीद ले। बोलिए, शानदार हवेली के लिए बोली बोलिए। 5 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 12 लाख, अरे 12 लाख, जागीरदार की हवेली, 15 लाख, 20 लाख, 20 लाख, 1। कुछ चीजें तो बिल्कुल नायाब है, अच्छे अच्छे राजे महाराजाओं के यहाँ भी नहीं मिलेंगी। कुछ चीजें तो बिल्कुल नायाब, अच्छे अच्छे राजे महाराजाओं के यहाँ भी नहीं मिलेंगी, अच्छे अच्छे राजे महाराजाओं के यहाँ भी नहीं मिलेंगी। कुछ चीजें तो बिल्कुल नायाब, कुछ चीजें तो बिल्कुल नायाब।
रिवाल्वर हाथ में, बैग, ये आपका हुलिया। सूरज, तुम्हें मालूम नहीं आज क्या हुआ और हम क्या से क्या हो गए। ये कैसा शोर है भाई साहब जो हमारे घर की तरफ बड़ा आ रहा है? ये पुलिस के सायरन, ये चोर चोर की आवाज, ये सब क्या है? तुम्हारा भाई आज चोर बन गया है सूरज। लेकिन क्यों? और कोई रास्ता नहीं था। धनी राम तुम्हारे सामने धमकी देकर गया था और हमने कहा था कि हम अपने बाप दादा की आन पान का नीलाम नहीं होने देंगे। सूरज, ये क्या कर रहे हो? आपकी पगड़ी अपने सर बांध रहा हूं भाई साहब, ये चोरी मैंने की है। सूरज! हाँ भाई साहब, आपने खुद ही कहा था कि मैं आपकी हर चीज में बराबर का हिस्सेदार हूँ। हिस्सेदार हो इस महल में, बाप दादा की जायदाद में, उनकी शान में, लेकिन हमारे जुर्म में नहीं। हिस्सा हर चीज में होता है भाई साहब, और ये समझ लीजिए कि आज जबरदस्ती मैंने अपना हिस्सा मांग भी लिया और ले भी लिया। सूरज, ऐसा हर किस नहीं हो सकता। अब तो सिर्फ यही हो सकता है भाई साहब, यही होगा। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो आपके सामने सूरज नहीं, उसकी लाश होगी। नहीं, ये कोट उठा दीजिए, उठा दीजिए कोट। भाई साहब, जब तक मैं यहां से चला नहीं जाऊं, आप इस कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे। Thank you.
सूरज तुम? अबे देख क्या रहा है, पहना हथकड़ी? हमने तुझे दिन कह दिया था कहीं हथकड़ी मत पहना देना। चलो अच्छा ही हुआ, गिरफ्तार भी हुए थे यार के हाथ।